के जाते हैं, ट्रेलर हम कर सकते हैं। तो आप बताइए हमें, आप एक पुलिस के कैरेक्टर में आप हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और एक इसके अलावा एक दूसरा कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला है, तो आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जो दूसरा कैरेक्टर है उसके बारे में भी जानना चाहिए। कौन सा दूसरा कैरेक्टर? मतलब जो हमें ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिख रहे हैं, अभी मैं सभी अभी बोलूंगी तो फिर आप देखोगे क्या। अच्छा, एक्चुअली मेरा रोल जो है वो इंस्पेक्टर का ही है और मेरा नाम जयंती जावड़ेकर है और मराठी उसका एक्सेंट है। और मुझे जब मैंने शूट किया तो काफ़ी मेरे क्या कूल हम के झलके जो है झलक वो नज़र आई और अच्छा लगा मुझे वापस बालाजी के साथ काम करने के लिए। काफ़ी अरसों के बाद एक कॉप के ही कैरेक्टर में मैंने बालाजी के साथ काम किया, तो मुझे इतनी गारंटी ज़रूर है कि जयंती जावड़ेकर का जो कैरेक्टर है उसमें इतना रस है, इतने शेड्स है कि ये हमारी मासेस जो हमारी ऑडियंस है वो 100% जयंती जावड़ेकर को, उनको प्यार हो जाएगा जयंती जावड़ेकर से इतना। बाकी रहा शो, पूरा मसाला है, तो अब हमने तो बहुत मेहनत की है, अच्छा अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश भी, तो आई जस्ट होप ऑडियंस को अच्छा लगे। एंड यू नो जैसा कि आपने बताया कॉप का कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा और बताइए, मतलब इतने लोगों को आप अपने अंदाज में फिक्स करने वाली हैं, फिक्सर करने वाली हैं। देखिए एक छोटी सी आउटलाइन में बना जो आपको शायद समझ में आ भी गई होगी, एक किसी उल्टे काम की वजह से जो मलिक हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, जिसके वजह से वो दिल्ली से बॉम्बे आते हैं, बॉम्बे उनको ज़रूरत पड़ती है जयंती जावड़ेकर की, जयंती जावड़ेकर उनको हेल्प करती है फिक्सिंग के लिए। तो हमने बहुत सारे कांड दिखाए पूरे, मतलब बॉलीवुड को लेके या इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके या छोटी छोटी ऐसे ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स आपको नज़र आएंगी, और किस तरीके से हर एक एपिसोड में मलिक के एनिमीज़ पैदा होते हैं, दुश्मन पैदा होते हैं, और एक ऐसा एपिसोड होता है जिसके वजह से फिर जयंती और आप हर एक मतलब क्लाइमैक्स में आपको सोचना पड़ेगा कि कौन है ये जिसने ये किया है, यू नो जो मेन सस्पेंस है, जो मेन थ्रिल है फिक्सर का, और आपको हर एक कैरेक्टर पे शक होगा कि ये है क्या, क्या ये है क्या, क्या ये है क्या, और फिर कैसे हर एक अनफोल्ड होता जाता है कि ये नहीं है, ये नहीं है। सो दैट इज़ शबीर के साथ बहुत अच्छा लगा। शबीर इज़ ऑल्सो मेरे जैसे ही बहुत ही बिलीव्स इन लीडिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, और बस एक लंच ब्रेक में प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो बहुत खाना मंगाता है, तो हाई ओ बाप रे बाप यमी यमी, हाँ हाँ, तो हमारे लंच ब्रेक्स बहुत अच्छे होते थे लेकिन मेरे डाइट के लिए अच्छे नहीं होते थे। तो मैं कई बार अवॉइड करती थी, शबीर बोलता था चलो लंच ब्रेक हो गया, मैं नहीं आ रही मैं नहीं आ रही, सो हाँ यमी यमी खाना होता था, हमारे प्रोड्यूसर ने हमको बहुत खिलाया पिलाया। और उसके अलावा इट वाज़ अ प्लेजर वर्किंग विद माही गिल, बहुत उमदा एक्टर है वो, और नए नए कलाकारों से भी करिश्मा शर्मा, उनके साथ भी वरुण को मैं जानती हूँ बिकॉज मैंने उनके साथ एक रियलिटी शो काफ़ी 4-5 साल पहले जज किया था, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर, दिग्मांशु जी, और काफ़ी ऐसे जूनियर अवेल, तो बहुत ऐसे लोग थे। मैं मेरे फैंस को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉच फिक्सर स्ट्रीमिंग नाउ ऑन ऑल्ट बालाजी एंड Z5, और आई एम 100% श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू डेफिनेटली लाइक फिक्सर एंड यू गोइंग टू लव जयंती जावड़ेकर, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस। मैम यहाँ पे, मैम इस साइड इस साइड, रुकिए रुकिए, वेट 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 वेट, लुक कैमरा, सर इधर देखिए, यहाँ से
पकड़ लूँ मैं? हाँ जी, जी बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा आया काम करके फिक्सर में। इनफैक्ट मैं जो हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार में हूँ फिक्सर के अंदर में। आई एम प्लेइंग ईशा कोपिकर्स हस्बैंड इन दिस, जिसका नाम जयेश है, और जयेश की जो बैंड बजाई जाती है शो के अंदर में वो आप देखेंगे। और किरदार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेंथ तो उतनी लंबी नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, शेड्स बहुत ख़तरनाक है इसके अंदर में। वो छोटी सी स्पेस में ही जो है बहुत कुछ दिखाने का मौका मिला है फिक्सर के अंदर में, तो देखेंगे तो अद्भुत मज़ा आएगा। जी 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 जी, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगा जिस तरह का किरदार जयंती का है इसमें। जो ईशा है, जो मेरी वाइफ का किरदार निभा रही है, तो वो बाहर जैसी है वैसे ही वो घर के अंदर भी अपने पति के साथ हैं, तो कोई चेंज ओवर नहीं है। और यही जो है कुंठा उसके अंदर में, उसके पति के अंदर में यही कुंठाएँ चलती हैं, तो किस तरह का चेंज ओवर होने वाला है वो आप जब सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आया काम करके पूरी यूनिट के साथ, ईशा के साथ, ज़्यादातर सीन्स मेरे उन्हीं के साथ थे, तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन रहा। ऑन एंड ऑफ कर पा रहा हूँ क्योंकि पहला एपिसोड अमूमन हर कोई देखना चाहता है कि कौन सेलिब्रिटीज़ थे। इस बार जो 13 गए हैं बिग बॉस के अंदर में, तो जब भी सीज़न आता है तो हम अपने सीज़न को याद करने लग जाते हैं, सीज़न 8 को जब मैं बिग बॉस के अंदर था, तब बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई टेल यू कि लोग जो हैं मुझे बिग बॉस से विपरीत किरदार में देखेंगे, अलग किरदार में देखेंगे। बिग बॉस में जो उन्होंने जर्नी देखी है, जो दिखा है, कि अमूमन लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि यार बिग बॉस में आप एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट या रियलिटी शो आप करते हैं लेकिन हम आपको एज एन एक्टर देखना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फिक्सर से वो जर्नी जो है वो शुरू हो रही है इस चीज़ में। हाँ, फिक्सर सिक्सर मारेगा सबके लिए। थैंक यू सो मच। क्या जी, एक सेकेंड आइए सना जी, आइए। हाँ, वेल फिक्सर, हाउ आर यू? वेरी गुड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फिक्सर बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोस्त लोगों ने प्रोड्यूस की है, साकेत एंड रिति, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड सेकेंडली माई बेस्ट फ्रेंड, माई फर्स्ट कोस्टार शब्बीर अलूवालिया इज द लीड ऑफ द शो, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी हिम। एंड पूरी उम्मीद है कि लाइक मैचो गाय ऑफ यू नो मैचोजम ऑफ शब्बीर, ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल, या मैं शब्बीर को है ना मैं इतना मिलता हूँ और एज अ पर्सन मैं उसे इतने अच्छे से जानता हूँ कि एज अ कॉप के रोल में मैं उसे जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये शब्बीर को तो मैं कभी नहीं देखा था इससे पहले। सो दैट वाज अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम सीइंग समथिंग न्यू इन शब्बीर। रॉक स्टार का रोल यू नो अपने डेली सूट में करते आया है लेकिन अब एज अ कॉप ही विल लुक वेरी नाइस। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टू एपिसोड्स जो आज मैं शायद देखने का मुझे मौका मिलेगा। एंड दैट्स शब्बीर मॉम। हेलो, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। सो शब्बीर की मॉम भी आ जाइए यहाँ पर। सो या एंड शब्बीर इज हियर, सो या सो व्हाई मॉम? हाँ, मिला ना मैं। मैं अभी वही बोल रहा था कि शब्बीर को मैं इतना रेगुलरली देखते आया हूँ
बोला कि मैं शब्बीर को इतना रेगुलरली देखते आया हूँ दैट फर्स्ट टाइम मैं उसे कॉप के रोल में एंड देन फिक्सर के रोल में देखूंगा सो इट विल बी समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग सो या बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि जब आप कॉप का किरदार निभाते हो तो उसमें बहुत रुतबा होता है तो ज़िंदगी में पहली बार मैं एक कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा है उसे प्ले करने में और मेरे ख्याल से एक ट्रांसफॉर्मेशन है कैरेक्टर में जब किसी कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसे करने में और ज़्यादा मज़ा आता है तो अभी रिएक्शंस के लिए रुके या मैं तो इनके साथ अपना पहला शो कर चुका हूँ सो मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ दैट क्या कहते हैं मेरा फर्स्ट को स्टार शब्बीर था और आज मैं जो भी हूँ मेरा जो नेचर है वो सब कुछ शब्बीर की वजह से बिकॉज आप हमेशा अपने सीनियर्स को मतलब अभी तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए लेकिन उस टाइम पर जब मैं आया था मुझे याद है कि शब्बीर आलूवालिया थे और मैं तो नया नया आया था तो आप हमेशा आपके कोस्टार्स को देख कर यू नो उनसे सीखते हैं तो मैं इन्हें देखता था मस्त एकदम चिल्ड आउट वे में आते थे सबके साथ इंटरेक्ट करते थे मस्ती करते थे तो वही मेरे अंदर आया बिकॉज यू ऑलवेज आपका सीनियर अगर एटीट्यूड देता तो आप भी जिंदगी भर यही सीखते हो कि आप दूसरों को एटीट्यूड देने में जाते और जो भी है मेरे अंदर थोड़ा भी जो एक अच्छाई है वो इनके वजह से ही है बिकॉज ही हैज़ टॉट मी अलॉट इन माई फर्स्ट शो एंड आई एम वेटिंग कि कब इनके साथ फिर से काम करने का मौका मिले इंशाल्लाह बहुत जल्दी बिल्कुल बिल्कुल अभी आप कंटिन्यू करिए इनके साथ अरे सुपर यार मेरे थैंक यू आज हम फिक्सर के बारे में बात करेंगे लेकिन यार प्रीति जी थी बहुत अच्छी बात है बहुत प्यारी सी लड़की थी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो शी वन द शो सारे टैलेंटेड थे और उसमें से एक प्रीति जी थी सो वेरी गुड वो जैसे कि मैंने कहा था कि वो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहले वो एक बहुत ईमानदार कॉप है लेकिन उसके बाद कुछ होता है उसके साथ और फिर वो सोचता है कि क्योंकि मुझे सब पैतरे पता है तो मैं अब फिक्सिंग की दुनिया में जाऊँगा एक फिक्सिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिखाया एक्सप्लोर नहीं किया हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स ने तो हमने कोशिश की है कि इसे एंटरटेनिंग बनाने की और एंटरटेनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा थ्रिल भी है इसमें जी पता नहीं कितना यमी है खाना होता है अगर लोगों को पसंद आता है तो मतलब उनका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो हम सब साथ में मिलके लंच खाते थे सब लोग कुछ कुछ लाते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था लंच करने में साथ में एंड शूट मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसका खाना अच्छा हो तो पूरी दिन मेहनत करने के बाद जब आपको आपका एक अच्छा लंच मिलता है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और प्लीज़ वॉच फिक्सर इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर इट्स अ वेरी डिफरेंट शो मतलब ये ट्राई टू पुश द एनवेलोप आई होप यू गाइस लाइक इट थैंक यू पोज देने चलो आ जाओ ले ले एक मिनट अरे बहन अरे ले ले एक मिनट ए भाई ए भाई
करिश्मा मैम नहीं आ रहे सब लोग, बहुत अच्छा नहीं आ रहे सब लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर सामने सर विनोद और पीछे मेरे को नहीं मिल रहा पूरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जबरदस्त बहुत सारी फिक्सिंग करने को मिलेगी मतलब देखने को मिलेगी विद शबीर ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई प्लेड एन एक्ट्रेस सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग रोल दैट आई हैव प्लेड एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड आप प्लीज देखिए एंड टेल मी हाउ यू गाइस लाइक इट इट वाज सो लवली वर्किंग आई थिंक शबीर इज वन ऑफ माय फेवरेट को-स्टार्स ईशा वाज सो गुड माही दिग्मांशु सर वरुण बडोला मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आई थिंक इस वेब सीरीज में काफ़ी सारे एक्टर्स थे तो आई लर्नड अ लॉट आई एम गोना फिक्स टू बी अ प्रॉपर एक्ट्रेस कहीं ना कहीं हम देखते हैं आप ऑल्ट बालाजी की फेवरेट हो चुकी हैं वेल आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज आई एम क्वाइट फेवरेट फॉर ऑल्ट बालाजी ऑलवेज बीन राइट फ्रॉम रागिनी I'm going to wear green tomorrow also for Narendra's show and I want to promote that we should plant more trees and not cut trees. Please stop cutting trees in our area. It's so bad. It really Already makes me so sad. Haan, but please all mat kaato yaar. Matlab, what is going on? I really want that to change. Yeah. Please guys watch Fixer. Tell me how you guys like it and lots of love to all of you guys watching on Balaji. Time nahi mila. I'm shooting back to back. Mera dusri cheez bhi chal rahi hai. Any favorite contest in your? I haven't been watching, so I don't know. But I saw briefly a thing between Hina Khan and Salman sir. So, but that's it. So many things happening aur hum us cheez ko dekh bhi nahi rahe so it's a request to all of you guys who are my fans is the least you guys can do is plant one tree that's the least I so dekh chuki hai so zara uske bare mein kuch batana chahengi fixer fixer ek bahut interesting web series hai usme mera character hai actress ka aur it's about an actress who comes from a small town uski journey hai actresses who come here so it's that एंड थैंक यू सो मच करिश्मा जी ऐसे कुछ खुलासा करने वाली कि क्या क्या
मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। शबीर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं हमेशा से। वो जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो पूरी यू नो दिल से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो वो मुझे एज इट इज़ पता था। बट आफ्टर ट्रेलर देयर इज़ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी दैट हैड कम आउट फॉर फिक्सर। और अब तो शो ऑन एयर हो चुका है, रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं शबीर का one of his biggest fans who in the personal life and in work life. He's so sweet and so talented. I can't wait. Yeah, Isha hai aur wo Karishma to bhi aayi thi. मुझे ओवरऑल शो, क्योंकि जो जिस शो को जो प्रोड्यूस किया है साकेत जी, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, साकेत सानी। और तो मुझे, मैं जब ये शो देखूंगा तो मैं एज अ फैमिली पर्सन देखूंगा, जो घर के लोग होते हैं ना, जैसे आज भी मैं सबसे पहले आ गया था, तो मैं उस एंगल से देखूंगा कि पूरे शो के लिए। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पूरा शो बहुत अच्छा चले। और सबका काम, सिर्फ एक्टर्स का ही नहीं, यू नो फोटोग्राफी का और जो आस पास के और भी लोग होते हैं, बिकॉज एक शो को एक टीम बनाती है। So I hope everybody does well. Sir, recently आप लोग कोई वेब सीरीज शूट कर रहे थे, आप दोनों साथ में कुछ बताना चाहेंगे क्या शूट हो रहा था? हम दोनों हाँ वो अभी हाँ थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए। बारिश आंधी पेड़ काटे ना लोग। करेक्ट हाँ। सो हम लोग एक साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे और वो तो हो गई शूट। उसके बाद से मैं इट हैपेंड इन कलकत्ता शूट कर रहा हूँ वर्ल्ड के लिए। और मैम जो है वो अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। मैम बताइए। एक्चुअली मैं नहीं बता सकती हूँ अभी, पर सून। पर उसके अलावा मैं बिजनेस शुरू किया, तो मेरा स्किन ब्रांड अभी लॉन्च हुआ 2 महीने पहले, CGG कॉस्मेटिक्स इंडिया में, नायका पे है एंड अमेजोन पे। एंड और एक बिजनेस शुरू करने वाली हूँ जिसमें मेरे को ज़्यादा हिस्सा दे नहीं रही है, तो आज मैं लड़ रहा था उसके साथ। कुछ नहीं बता सकते, देखो मैं तो मेरे तो बच्चे हैं ऑलरेडी, एक का नाम गैंगस्टर है, एक का नाम मॉन्स्टर है, तो मैं तो ऐसी चीज़ें तौबा तौबा। सच बता दीजिए। दो मेरे है, मॉन्स्टर और गैंगस्टर, वो कुछ नहीं करते है, मैं सिर्फ करती हूँ। पता नहीं यार, यहाँ तो ये नहीं पता, इतनी तो आंधी चल रही है अभी, पता नहीं ये छत रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ कोई भरोसा नहीं है। नहीं ना, तो पहले आप बताओ, ये भी नहीं किया, ये लाइन साफ ही है यार, मेरी सपोर्ट करो यार तुम दोनों, तो ऐसे मतलब नहीं नहीं लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? इतने सेटल हो गए हो, वेल सेटल हो गए हो, आपने शादी क्यों नहीं की? गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, है वो स्माइल मुझे बताया कि है, गर्लफ्रेंड है। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू।